गुड मॉर्निंग, मैं गेनवेल कॉमोसेल्स प्राइवेट लिमिटेड के टेक्निकल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से रणवीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं गेनवेल के इस डिजिटल लर्निंग सेशन में। आज हम बात करेंगे कैट 424 बैकहो लोडर के हाइड्रोलिक सिस्टम मेंटेनेंस की। तो अभी हम आ गए हैं हाइड्रोलिक सिस्टम का मेंटेनेंस करने के लिए। हाइड्रोलिक सिस्टम मेंटेनेंस स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले मशीन को पोजीशन करना है। मशीन पोजीशन से हमारा मतलब है कि हमारा जो भी इम्प्लीमेंट्स है, जैसे कि लोडर बकेट, बैकहो बकेट और स्टेबलाइजर्स, ये ग्राउंड पे होने चाहिए। टायर्स ग्राउंड पे रहने चाहिए। एक बार ये सब इम्प्लीमेंट्स को ग्राउंड पे रख के मशीन को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद लीवर्स को सभी डायरेक्शन में हमें हिलाना है, जिससे कि हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रेशर रिलीज हो जाता है। इसके बाद हमें हाइड्रोलिक टैंक का कैप को ओपन कर देना है, जिससे हाइड्रोलिक टैंक का प्रेशर भी रिलीज हो जाएगा। उसके बाद हम हाइड्रोलिक सिस्टम मेंटेनेंस करने के लिए तैयार हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम में एक हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर लगता है, जिसका पार्ट नंबर है 362-1163-362-1163 हाइड्रोलिक फिल्टर खोलने के लिए एक 41 mm का रिंग स्पैनर या सॉकेट लगेगा, या फिर फिल्टर स्ट्रैप रेंच की मदद से भी हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर को खोला जा सकता है। और हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर से ऑयल ड्रेन करने के लिए एक 3/8 inch का एलेंकी लगेगा। हाइड्रोलिक ऑयल ड्रेन वाल्व जो पाइप लगा हुआ है, इसके साथ में ही आप देखोगे यहाँ पे तो हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर है। तो अभी हम हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर चेंज करने का प्रोसीजर देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर है। ये एक कार्ट्रिज टाइप का फिल्टर है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हो एक प्लग दिया गया है। ये प्लग का काम है कि जब भी हमें हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर चेंज करना है, तो फिल्टर बॉडी के अंदर में काफी ऑयल रहता है, वो ऑयल नीचे स्पिल ना हो, इसके लिए पहले हम प्लग को खोलेंगे। प्लग खोल के ऑयल, जितना भी इस बॉडी के अंदर में ऑयल है, वो सब ड्रेन कर देंगे। उसके बाद हम फिल्टर हाउसिंग को खोलेंगे। तो सबसे पहले हम ये प्लग को खोलते हैं। प्लग को खोलने के लिए हमें ये 3/8 inch का एक एलेंकी लगेगा, जिससे हम प्लग को खोल सकते हैं। एक बार प्लग को लूज कर लेंगे तो उसके बाद इजीली हम एलेंकी से इसको खोल सकते हैं। प्लग को पूरी तरह खोलने से पहले हमें ध्यान रखना है कि नीचे कोई कंटेनर हम रख लें ऑयल को कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद जैसे ही हम खोलेंगे तो ऑयल गिरेगा। एक बार जब ऑयल पूरी तरह से ड्रेन हो जाएगा तो हम प्लग को क्लीन करके यहाँ पे फिट करके रखेंगे, लूजली फिट करके रखेंगे पहले। यहां से बॉडी को हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हम ये फिल्टर को अभी खोलेंगे, फिल्टर हाउसिंग को। फिल्टर हाउसिंग को खोलने के लिए दो तरीके से हम खोल सकते हैं। एक तो हम फिल्टर स्ट्रैप रेंच का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको खोलने के लिए, नहीं तो हम यहाँ पे जो नीचे में आप देख सकते हो ग्रूव ये बना हुआ है, सॉकेट है, यहाँ पे हम सॉकेट या फिर एक रिंग स्पैनर का इस्तेमाल करके भी इसको खोल सकते हैं। हम फिल्टर हाउसिंग को खोलेंगे। जब ये थोड़ा लूज हो गया है तो हम हाथ से भी खोल सकते हैं इसको।
एक बार ये फिल्टर हाउसिंग देखो नीचे आ गया है। अभी अभी फिल्टर हाउसिंग के अंदर में ये जो पोर्शन है ये कार्ट्रिज है फिल्टर का। कार्ट्रिज को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो लॉक बने हुए हैं ये साइड में, दोनों साइड में। इनको हम नीचे की तरफ ऐसे दबाएंगे, दबा के फिल्टर को बाहर खींचेंगे। ध्यान रखना है फिल्टर को जब हम बाहर खींचेंगे तब भी ऑयल गिरेगा, तो कभी भी ऑयल को नीचे नहीं गिराना है। जो भी प्रोसीजर है उसके हिसाब से ही हमें ऑयल को कलेक्ट करना पड़ेगा। ये पुराना जो एलिमेंट है फिल्टर का कार्ट्रिज एलिमेंट, इसको हमें पूरा ऑयल ड्रेन करने के बाद इसको सही तरीके से पॉलीथिन में पैक करके ही डिस्कार्ड करना है। तो एक बार जब फिल्टर हमारा निकल गया है हम नया फिल्टर लगा सकते हैं। नया फिल्टर में एक चीज का ध्यान रखना है कि नया फिल्टर जो पैकिंग में आता है वो पैकिंग को हमें तुरंत उसी टाइम पे खोलना है जब हम फिल्टर फिट करने की स्थिति में आ गए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले से ही हम फिल्टर को बाहर निकाल के रखें, उससे कंटेमिनेशन हो सकता है। तो फिल्टर कार्ट्रिज अभी हमने निकाल लिया है, फिल्टर कार्ट्रिज का ये पॉलीथिन भी हमें उसी टाइम हटाना है जब हम इसको फिट करेंगे। ये हमारा नया फिल्टर है, इसके ऊपर में भी यहाँ पे ये लॉक बना हुआ है, तो ये लॉक वाला पोर्शन ऊपर की साइड में रहेगा और ये वाला जो खाली वाला पोर्शन है ये नीचे की साइड में रहेगा। अभी हम फिट करेंगे फिल्टर को। अभी यहाँ पे ये फिल्टर हमने बिठा दिया है, ये लॉक वाला पोर्शन ऊपर में रहेगा। जैसे ही ये बैठेगा तो देखना यहाँ पे अभी ये टक करके एक आवाज करेगा। ये आवाज का मतलब है कि ये दोनों लॉक जो है वो अपनी पोजिशन में बैठ गए और फिल्टर लॉक हो गया हुआ है। उसके बाद हमें फिल्टर हाउसिंग को चारों तरफ से अच्छे से हमें क्लीन कर लेना है इस जगह से। और फिल्टर का जो बेस है ये बेस को भी हमें अच्छे से क्लीन करना होगा। फिल्टर बेस और फिल्टर का बॉडी जो है जो कार्ट्रिज है इसको क्लीन करके फिर हम इसको अलाइन करके यहाँ पे टाइट कर पाएंगे। पहले हमें हाथ से ही टाइट करना है जितना भी हो सकता है, बॉडी को अच्छे से यहाँ से क्लीन कर लेना है। कोई भी किसी प्रकार का कंटेमिनेशन यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। एक बार जब ये टाइट हो जाएगा तो हम स्पैनर की मदद से इसको पूरी तरह से टाइट कर पाएंगे। तो अभी ये फिल्टर बॉडी पूरी तरह से टाइट हो चुका है। अब हमें नीचे में जो प्लग लगाया था प्लग को भी अच्छे से टाइट कर लेना है। अभी ये प्लग भी टाइट हो गया हुआ है। यहाँ पे फिल्टर हाउसिंग का ये जो ज्वाइंट है, प्लग का जो ज्वाइंट है, यहाँ पे हमें पूरा अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद हम जब मशीन को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के थोड़ी देर के बाद चला के मशीन को हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किसी तरह का कोई लीकेज ना रह गया हो। अगर लीकेज होगा तो हमें दोबारा से फिल्टर बॉडी को और प्लग को टाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा फिल्टर चेंज करने का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है।